सबसे पहले आज मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स रखूँगा। जो इन्वेस्टर लगातार बड़े बड़े अमाउंट से यहाँ पे लमसम कर लेते हैं, जी हाँ, और 2 दिन बाद मार्केट फिर गिर रहा है और उनको नुकसान हो रहा है, वो मेरे पास आते हैं कि एग्जैक्टली अब हम यहाँ से क्या करें, मैंने जो लमसम किया उसमें अब नुकसान देखने को मिल रहा है। देखो, आपको ना एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। पूरा पैसा आपको वन शॉट में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब जब मार्केट गिरता है ना, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। जैसे एक कहावत है, गिरते हुए चाकू को पकड़ने का कोशिश ना करो। अगर गिरते हुए चाकू को आप पकड़ने का कोशिश करोगे तो आपका ही नुकसान है। वैसे ही मार्केट में, अगर गिरते हुए मार्केट को अगर आप पकड़ने का कोशिश करोगे, पूरा पैसा वन शॉट में लगा दोगे, तो नुकसान आप ही का होगा। आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। मैं इन्वेस्टर को ये बताना चाहता हूँ कि जब तूफान आता है तो आपको संभल के रहना चाहिए। जी हाँ, तूफान के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। वैसे ही मार्केट में जब गिरावट हो तो आपको यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। जब मार्केट में एक स्टेबिलिटी दिखे तब जाके पूरा पैसा वहाँ पे लगाना चाहिए। या फिर आप एक स्ट्रैटेजी ये बनाओ कि हमें मार्केट अगर हाई से 20% 25% टूट गया तब हम पूरा पैसा यहाँ पे लमसम कर देंगे। ऐसे तो कोई भी नहीं बता सकता। या फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओ ऐसा कि हर 5% या 10% के गिरावट पे मैं कुछ ना कुछ अपने लमसम अमाउंट का हिस्सा यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पार्क करता जाऊँगा। बहुत ऐसे इन्वेस्टर ये गलती क्या कर रहे हैं, सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में पैसा लगा के बैठे हुए हैं, उनका 20% 25% का गिरावट हो गया तो अब वो सहम से गए हैं। वो यही क्वेश्चन जनरेट करते हैं, क्या मेरा पैसा बचेगा या नहीं बचेगा, क्या मैं पैसा निकाल लूँ या फिर यहाँ पे रुकूँ। देखो, मैं साफ शब्दों में आपके सामने एक स्टेटमेंट देता हूँ, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, गिरावट के समय अपने पोर्टफोलियो में नुकसान नहीं देख सकते हो, तो आप म्यूचुअल फंड से निकल जाएं, म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। चलिए, आज जो मार्केट में स्थिति रहा उसके बारे में भी बात करते हैं कि मार्केट में कहाँ गिरावट हुआ। अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में हमें ये लगा कि मार्केट आज जंप लेगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बंद होने के करीब आया वहाँ पे हमें दबाव बनता देखने को मिला। स्पेशली लार्ज कैप में फिर से गिरावट आज देखने को मिला। चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे निफ्टी 50 का आंकड़ा देखोगे तो करीबन 0.11% का गिरावट है। 26 पॉइंट आज दबाव में देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल के 50 आज पॉजिटिव रहा 0.84% का। निफ्टी मिड कैप 100 में 0.45% का यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। बीएससी स्मॉल कैप में 430 पॉइंट जुड़े हैं आज, 0.83% आज जंप लेता हुआ देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 50 करीबन 81 पॉइंट यहाँ पे आंकड़े देखने को मिले 0.55%, और निफ्टी आईटी में मामूली सा यहाँ पे 21 पॉइंट आज जुड़ता हुआ देखने को मिला। चलिए, आप जानते हैं कि आज कुछ ऐसे स्टॉक्स जो निफ्टी 50 को कमजोर बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एचयूएल में आज 3% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी करीबन 3% आज टूटा है। ब्रिटानिया में 2.60% का गिरावट है। बीपीसीएल 2.50% टूटा है, और नेस्ले में 52 रुपए का गिरावट 2.35% यहां आज क्लोज नेगेटिव में हुआ है। ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां पे देखोगे तो पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिले हैं। देखो, आइसर मोटर्स की बात करूं तो आज 6 से 7% ये स्टॉक जंप लिया है, 295 रुपये यहाँ पे बढ़त बनाता हुआ देखने को मिला। हीरो मोटोकॉर्प करीबन आज 1.87% जंप लिया है। एचडीएफसी लाइफ में भी करीबन 1.31% का जंप है। रिलायंस भी करीबन 1.24 और कोटेक महिंद्रा 1.19% का आज जंप लेता हुआ देखने को मिला है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे हमें पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिले और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। देखो, मार्केट के गिरने की वजह अब इन्वेस्टर समझ गए हैं क्या रीज़न है। मैंने पिछले 2 से 3 दिन में वीडियो में ये पूरा समराइज किया है। एक एफआईआई का सेलिंग, जी हाँ। दूसरा, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो रिटेल इन्वेस्टर भी अपना यहां पे हाथ खींच के चल रहे हैं। उनको अब ये अंदाज़ा लग गया कि एग्जैक्टली मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट होगा तो चुपचाप थोड़ा सा यहां पे बैठो। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट आज देखने को मिला। देखो, चाइना के मार्केट में आज दबाव देखने को मिला। देखो, और जैसे जैसे चाइना के मार्केट या इंडेक्स गिरते हुए जाएंगे, इंडियन स्टॉक्स मार्केट के लिए एक अच्छा न्यूज़ होगा। एफआईआई वहां से पैसा निकाल सकती है, लेकिन एक दिन के गिरावट से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अगर मैं हैंगसेंग इंडेक्स की बात करूँ तो आज करीबन 2% टूटा है, 387 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट है। अगर एसएससी इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर करीबन 1.73% का आज
गिरावट देखने को मिल रहा है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जितना मार्केट वहाँ पे गिरेगा ये इंडियन स्टॉक्स मार्केट के लिए सही है, वहाँ से हो सकता है FII पैसा निकाले और फिर इंडियन स्टॉक्स मार्केट की तरफ रुख करे। अब हम जानते हैं कि निफ्टी 50 में और क्या गिरावट देखने को मिल सकता है। देखो ऐसे तो निफ्टी 50 में यहाँ से और 1000 पॉइंट का दबाव देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी 50 का आंकड़ा अभी देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी 50 करीबन 21,000 के लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। 2024 क्लोज होते होते यहाँ पे आपको जो निफ्टी 50 है वो करीबन 21,300 21,500 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, अगर ये 200 मूविंग एवरेज का पॉइंट है अगर ये ब्रेक होता है तो। और देखो गिरावट अगर होगा तो मैं इन्वेस्टर को यही बताऊंगा ये तो एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। ऐसा क्यों स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो भी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। जैसे जैसे चार्ट बन रहा है वैसे वैसे मैं आपके सामने स्टेटमेंट लेके आ रहा हूँ। अगर ये 200 मूविंग एवरेज का जो पॉइंट है अगर ये ब्रेक नहीं करता है निफ्टी 50 तो वाकई में यहाँ से मार्केट चढ़ सकता है। लेकिन मार्केट चढ़ने के लिए कुछ यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, कुछ ऐसा न्यूज़ जो मार्केट को हेल्प करे, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स को चेंज करे। जबकि कुछ ऐसा पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा है तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि ये लेवल भी ब्रेक होगा और गिरावट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और बहुत ऐसे रिसर्च एनालिस्ट का ये भी कहना है कि 2025 मार्च तक भी ऐसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है, मार्केट में यहाँ पे गिरावट जारी रह सकता है। 25 मार्च के बाद ही कुछ आंकड़े पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कोई भी नहीं बता सकता मार्केट का जैसे जैसे यहाँ पे फिगर चेंज होगा, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट चेंज होगा, मार्केट का पूरा रुख बदल सकता है। लेकिन जो ये इतना बड़ा गिरावट हुआ है अगर आप देखोगे तो 10% के ऊपर निफ्टी 50 में गिरावट अभी तक देखने को मिल चुका है। अब ये जो 10% के ऊपर का गिरावट है क्या 2020 के बाद कभी ऐसा गिरावट देखने को नहीं मिला? 20 के बाद और 2024 के पहले अगर मैं आंकड़े देखूं तो यहाँ पे करीबन 2 टाइम्स हमें देखने को मिला कि निफ्टी 50 में 10% के ऊपर का गिरावट हुआ है। लेकिन वो जो 10% का गिरावट हुआ है उसमें कुछ ही दिनों के बाद रिकवरी भी देखने को मिला और एक नया हाई यहाँ पे निफ्टी 50 बनाता हुआ देखने को मिला। लेकिन अगर अभी जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं जो 10% से ऊपर का गिरावट है, जितना दिन यहाँ पे गिरावट में देखने को लग रहा है इतने दिन में तो वहाँ पे रिकवरी भी हो गया था, ये शायद लंबा जा सकता है। इट मीन्स कि गिरावट जारी रह सकता है और यहाँ पे आंकड़े कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होता तो हो सकता था, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होता और यहाँ पे खरीदारी बढ़ता, मार्केट में और पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिलते। तो ये कुछ विश्लेषण थे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।